प्लीज हैव अ क्विक लुक ओवर देयर. दीज आर द वर्ड्स आई हैव चूजन टूडे फॉर दिस प्रेजेंटेशन. पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स एंड आई शो यू विद द एडवेंट ऑफ द कमिंग स्लाइड्स वट डज इट मीन टू अस हाउ इट इज यूज इट्स सिनोनिम्स एंटोनिम वेरियस फील्ड्स यूज Some of them you might have seen, heard, used. Some might not. So, pay attention every word which we can interact today in this presentation. Clear? So let's get started. How we can use these words with synonyms, antonyms, whatever possibility is there. Here. The same word. Yehi word hai. Dusre field mein. और सेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे. जो फंक्शन इसका रहेगा वो एडजेक्टिव का ही रहेगा. देन सिनोनिम्स अगेन विद दिस मीनिंग. अब इसके ही अर्थ में सेंस में हम इस वर्ड को कितने नए शब्द के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये नए वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं. ये शब्द एक ऐसा है डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स जिसे हमने यूज तो किया पर इसका मीनिंग हमें पता नहीं था. टिक का मतलब या राइट से भी हम ले सकते हैं कि ये जो है टिक करना है, मार्क करना है. बट In other sense, as a noun, how it is used and what it is, its proper meaning. Pause the video and read this story. But we cannot say the story, it is the description about the ticks. अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ. आपको याद आ जाएगा कि ticks कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं. एम्फिबल और एम्फिबल दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. आप इसको देख सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं. एज ए वर्ब मेक वीक और फीबल. हिंदी भी देख लीजिए यानी कि ढीला छोड़ना, कमजोर बनाना, दुर्बल बनाना, निशक्त करना. सीकनेस हैज एफेबल इनफेबल इनफेबल मी. अब सिनोनिम्स देख लीजिए आप इसके, है ना. और आप अगर देख सकते हैं सिमिलर वर्ड जो हमने यूज किए हैं. अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका. स्ट्रेंथन रिपेलेंट इन वन सेंस. एडजेक्टिव आकर्षक घृणाजनक घिनौना. एबल टू रिपेल अ पर्टिकुलर थिंग इम्पर्सिव टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. सिमिलर देख लीजिए आप. रिपेलेंट उसका अन्य अर्थों में हम कैसे यूज कर सकते हैं आप ये देखिए.
और अब आप इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए आप, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसको लिखेंगे, डिक्शनरी में फाइंड आउट करेंगे या फिर नेट पे सर्च करेंगे, तो आपको इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो है मिलेंगे। अपोजिट देखिए, हेक्सापॉड नाउन, एंटामोलॉजी में यूज किया जाता है फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ऊज एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम अ वुंड इन हिज स्कैल्प। सिमिलर वर्ड देखिए आप, एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये नए शब्द देख के सर्च करके आप फाइंड आउट कर लीजिए, इसकी और भी मीनिंग आपको मिलेगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और दूसरे अर्थ में हम इसको उज को कैसे लिख सकते हैं, शी उजिज रॉन्ची सेक्स अपील। सिमिलर देख लीजिए आप, एपिक्यूरियन एज ए नाउन। सिमिलर वर्ड देख लीजिए आप, अपोजिट फ्लडली, हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, फ्लडली। ये नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और आर्ट और हेरल्ड्री में भी यूज किया जाता है ये। अब देख लीजिए क्या होता है ये, वीडियो को पॉज करिए, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करता एवरी वर्ड और एवरी डिस्क्रिप्शंस बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। सो डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन, यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो एंड रीड इट थॉरली, एंड इफ पॉसिबल देन ट्राई टू ग्रास्प द थिंग्स एज योर ओन कन्वीनियंस। कोई एडजेक्टिव, शी ट्रीटेड हिम टू अ काय स्माइल ऑफ इन्विटेशन, हिंदी में जिसे हम विनीत बोल सकते हैं, संकोची लचीला। इन सिमिलर देख लीजिए आप, एक बार वीडियो को पॉज करके ये पर्टिकुलर वर्ड जो सिमिलर दिए हैं, सिनोनिम्स दिए गए हैं, उस पर फोकस करके आपने सर्च करना है, डिक्शनरी में करना है या फिर गूगल पे जाके करना है, आप कर लीजिए, आपको इससे भी और नए शब्द आपको मिलेंगे। अपोजिट भी देख लीजिए, वंपल एज ए नाउन, डस्टर्डली, डस्टर्डली ये एडजेक्टिव है और ये ह्यूमरस आउटडेटेड है ये। सिमिलर देख लीजिए आप, कितने वर्ड हम यूज कर सकते हैं, हमें डास्टार्डली याद नहीं रह सकता है, लेकिन जो सिनोनिम्स वर्ड आपको दे दिए गए हैं आप उसको तो याद रख सकते हैं, वो हम याद रख सकते हैं।
ठीक है ना। अब देख सकते हैं जो नहीं भी हमें पता होगे वो भी हमें इससे जो है पता लग जाएगा। ऑपोजिटिव देखिए आप, प्रेजवर्दी, नॉबल, विलनी, ये तो आपको पता है विलन। और सिमिलर देख लीजिए आप, ढेरों सारे शब्द मैं चुन चुन कर जो हूं लाया हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई स्टूडेंट, माई वेलविशर्स, माई व्यूअर्स। दिस इज डेरोगेटरी इनफॉर्मल यूज एज अ नाउन। कंडिसेंडिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, स्वयं की वरिष्ठता दिखाने वाला व्यवहार करते हुए, हैविंग अ शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ पैट्रनाइजिंग सुपीरियरिटी। शी थॉट द टीचर्स वर एरोगेंट एंड कंडिसेंडिंग। और देख लीजिए आप कितने ढेरों सारे वर्ड मैंने इसी से संबंधित जो है लाए हैं। अपोजिटिव देख लीजिए आप, गोडी, सिनोनिम्स देख लीजिए आप। आपको हैरानी होगी जितने सिनोनिम्स मैं पर्टिकुलर वर्ड के लिए लेकर आए हूँ। जब आप इसको सर्च करेंगे या फिर देखेंगे कुछ नया शब्द, नया ऐसा मीनिंग आपको दिखेगा कि जो हम जो है आम बोलचाल में यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। बुजुआ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। सिमिलर मीनिंग देख लीजिए आप, अपोजिट स्लिप शॉट।
डेमो डेमो एज एडजेक्टिव कैसे यूज किया जाता है? और सिमिलर, देखिए आप सिमिलर वर्ड हम कैसे यूज कर सकते हैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। डीमा एज अ वर्ब कैसे यूज करेंगे हम इसको? फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, और आपने भी इस तरीके से शब्द को यूज करने की भी कोशिश करनी है। वाव, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर देख लीजिए आप। फार्माकोपिया, कॉलर एज ए नाउन, आर्केक। अगर हम आर्के की बात करते हैं इसके पुरातन की, ओल्ड वर्जन की, एंशियंट की, तो इसका मतलब होता है एंगर और इरेस्टिबिलिटी। डीमियो एज ए नाउन, और सिनोनिम्स देख लीजिए आप। हम कैसे अपने आप को शार्पन कर सकते हैं विद द न्यू वर्ड एंड मैनी वर्ड्स। हैरम, हारम, हारिम, 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 हैरम, तीन तरह से इसको जो है प्रनाउंस किया जाता है। एज ए नाउन आप देख सकते हैं। सिमिलर भी देखिए आप, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? पेनपली, नाउन, एन एक्सटेंसिव और इम्प्रेसिव कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं? सिमिलर वर्ड देखिए आप, कलेक्शन के रूप में हम कैसे इसको यूज करते हैं? स्प्लेंडेड डिस्प्ले,
फास्टिडियस, 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 सिनोनिम्स देखिए आप. एंटोनिम्स अपोजिट. पसोना, पसोना प्लूरल में बोलेंगे इसको, पसोनी. सिमिलर वर्ड्स, लगोब्रियस, सम ऑफ देम वी हैव हर्ड एंड ऑल्सो डिस्कस्ड कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज. कुछ तो मैंने इस, कुछ वर्ड तो मैंने इसमें भी यूज़ कर रखे हैं, वो भी रिपीट हुए होंगे, तो वहाँ से भी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वर्ड का मीनिंग जो है क्या है. टूशे, एक्सक्लेमेशन वर्ड है ये. प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन, फॉर्मल नाउन के रूप में यूज किया जाता है. और सिमिलर देखिए आप, क्यों नहीं हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं जब नए शब्द हम रिप्लेस कर लेंगे, डेली यूजेस में यूज करेंगे, तो हो सकता है कि हम अपना लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज कर सकें. कैवलकेड, घुड़सवार दल, सवारों की श्रेणी, वारात. यूजेस देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए और सिमिलर वर्ड भी देख लीजिए वीडियो को पॉज करके. पिल्फा, इट्स वर्ब, पिल्फरिंग. सिनोनिम्स देख लीजिए आप, पिल्फर की जगह हम कैसे यूज कर सकते हैं. प्रलेसी, ये भी आर्किक वर्ड है जो अब बहुत कम यूज किया जाता है.
जिसका मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं। मार्टली एडजेक्टिव देख सकते हैं कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं विद सिमिलर एंड मिस सिनोनिम्स वर्ड एंड अपोजिट वर्ड आल्सो। इनेक्सरेबल और सिमिलर वर्ड देख लीजिए आप, मर्केंटाइल सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड बूजवाजी, बूजवाजी डायसिस। ये प्रिंटिंग में यूज किया जाता है ये वाला वर्ड। लुक्रेटिव सिनोनिम्स वर्ड्स भी देख लीजिए आप, अपोजिट वर्ड डैजलिंग एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं वन सेंस में और एन अदर सेंसेस में। एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल और स्किलफुल, अ डेजलिंग डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल। इन्विक्टिव और सिनोनिम्स भी देख लीजिए, मीनिंग तो है ही और सिनोनिम भी देखिए, सेंटेंसेस भी देखिए कैसे यूज किया गया है अपोजिट वे। गमट इनिक्विटस, इनिक्विटस जेंट्री और सिनोनिम्स वर्ड भी देख लीजिए आप, पर्सनेज प्रलाग
ऐसी ड्यूटी। स्टॉल वोट। एंड सिमिलर वर्ड लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग। अपोजिट डिसलॉयल, अनफेथफुल, अनरिलायबल। डिसेंटो नाउन, डिसेंट्स एंड सिमिलर वर्ड इनएप्टिट्यूड एज अ नाउन, इनएप्टिट्यूड लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी।